हे गाइस, वेलकम टू एजी टूर्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनाली का एक बजट टूर, यानी कि ऐसा टूर जो आपके टाइट बजट में भी फिट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आप मनाली रोड से सबसे अच्छे से जा सकते हैं इजीली, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको रोड से जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आपको आना पड़ेगा दिल्ली। आप जहाँ से भी आते हैं पहले आप आ जाएं दिल्ली, उसके बाद दिल्ली से आपको कश्मीरी गेट बस स्टैंड जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको मनाली की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। ये बस आपको मिलेगी सेमी स्लीपर, जिसका किराया सिर्फ 1200 रुपये होगा। और अगर आप सेमी स्लीपर बस नहीं लेना चाहते हैं, आप नॉर्मल बस लेना चाहते हैं यानी कि जिसमें सीट्स होती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसका किराया 600 रुपये पर पर्सन का होगा, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सेमी स्लीपर बस ही लें, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी होगी और ये घंटों का रास्ता होगा। तो अगर आप नॉर्मल बस में जा रहे हैं यानी कि वो बसेस जिसमें सीट्स हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, मनाली के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी घाटियों से भरा हुआ है, तो आपको वहाँ पर वॉमिटिंग की या फिर चक्कर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको सेमी स्लीपर बस ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और आपको मनाली पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दिल्ली से मनाली पहुँचने का रास्ता 13 से 14 घंटे के लगभग होगा, तो आप इतने में मनाली पहुँच जाएंगे। अब ये तो हुआ हमारा पहला रास्ता, अब देखते हैं कि हमारा दूसरा रास्ता कैसा है। तो दूसरे रास्ते के लिए आपको आना पड़ेगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ मनाली से 290 किलोमीटर पड़े। तो आप सेक्टर 43 बस स्टैंड से बस ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मनाली के लिए डायरेक्ट बस आसानी से मिल जाएगी और ये बस भी आपको सेमी स्लीपर मिलेगी। तो आपके लिए सेमी स्लीपर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो आप वही लें। और आपको चंडीगढ़ से मनाली जाने में लगेंगे 9 से 10 घंटे। अब आप सोचे होंगे कि सिर्फ 290 किलोमीटर है और इतने ज़्यादा घंटे लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है वो घाटियों से भरा है, तो जो बस है वो थोड़ी धीरे चलेगी, इसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा मनाली पहुँचने में। अब कुछ लोगों को लगता है कि कुल्लू और मनाली एक ही जगह है, पर ऐसा नहीं है। आप ये सोच के ना जाएं कि आप मनाली जा रहे हैं यानी कि आप कुल्लू भी जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों अलग अलग जगह हैं, पर आपका मन है कि आप कुल्लू जाएं, तो जब आप मनाली जा रहे होंगे रास्ते में तो बीच में ही आपको कुल्लू पड़ेगा। आप चाहें तो वहाँ पर उतर सकते हैं। वहाँ देखने लायक तो कोई भी आपको जगह नहीं मिलेगी, पर हाँ, वहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग या फिर शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुल्लू शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी शॉल्स मिल जाएंगी, वो भी कम रेट में, तो आप वहाँ जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप सफ़र करते करते थक गए हैं तो भी आप कुल्लू में थोड़ा रेस्ट करने के लिए वहाँ पर भी रुक सकते हैं। अब ये बात तो है कि आप मनाली थोड़ा तो बर्फ़ देखने जा ही रहे होंगे, तो अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मनाली में तभी बर्फ़ रहती है। और अगर आप समर में जाएंगे तो वहाँ पर बर्फ़ आपको देखने नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि हमारा मनाली में रहने का क्या सिस्टम है। तो आपको वहाँ पर अच्छे से होटल्स मिल जाएंगे, जो कि ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, सिर्फ 1500 में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए। और अगर आप देखें कि खाना वहाँ पर कैसे मिलेगा, तो खाना भी आपको आराम से वहाँ पर जो लोकल फूड है आप वो ट्राई कर सकते हैं। आपको काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस हो जाएगा वहाँ के खाने का भी। तो वहाँ पर खाना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, 180 के आसपास आपको खाना पड़ेगा अगर आपको, आप वेजिटेरियन है तो। और अगर आपको नॉन वेज खाना है तो भी वो 200 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम मनाली का टूर कितने दिनों का प्लान करें। तो मेरे हिसाब से आप 2 दिन का टूर प्लान कर सकते हैं, या फिर
अगर आप चाहें तो 3 दिन का टूर भी प्लान कर सकते हैं अगर आप वहाँ की और भी चीज़ें घूमना चाहते हैं तो। पर अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप 2 दिन का टूर प्लान करें, आप उसमें काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी जगह घूम सकते हैं। अब जो आपका फर्स्ट डे रहेगा आपके टूर का, उसमें आप मनाली की लोकल साइट्स घूम सकते हैं और वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट डे में वहाँ की लोकल जगह पर घूमें और अब वहाँ पर जो टूर गाइड्स होंगे वो भी आपको वहाँ पर ले जा सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें भी हायर कर सकते हैं और वो आपको वहाँ की लोकल साइट्स दिखा देंगे। इसके बाद हम दूसरे दिन शिलोंग वैली घूम सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर वैली है। शिलोंग वैली ख़ास तौर पर अपने स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी फेमस है, यानी कि आप वहाँ पर पैराशूटिंग, पैराग्लाइड और फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की जो वैली है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है। तो आप वहाँ पर अगर चाहें तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ये आपको मनाली से कितना दूर पड़ेगा। तो शिलोंग वैली आपको मनाली से 14 किलोमीटर पड़ेगा और ये थोड़े पहाड़ों पर पड़ेगा तो इसके लिए आपको मोटर बाइक से जाना पड़ेगा। तो मोटर बाइक का किराया आपको लगेगा करीब 1000 रुपये, जिसमें आप एक ड्राइवर होगा और एक सवारी होगी, उसमें आप बैठ के आराम से शिलोंग वैली तक जा सकते हैं। पर हाँ, उसका किराया होता ज़रूर 1000 रुपये है, पर अगर आप चाहें तो बार्गेन करके उसको 700-800 रुपये में बिठा सकते हैं। तो आप शिलोंग वैली वहाँ पर घूमने ज़रूर जाएं। इसके अलावा आप मनाली में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो आप वहाँ पर माल रोड जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा जंक फूड मिल जाएगा। अगर आप जंक फूड खाने के शौकीन हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने मिल जाएंगी। इसके अलावा आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कपड़े मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और वो काफ़ी कम में भी मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह जहाँ से आप आए हुए हैं या फिर कोई बड़ा शहर। तो वहाँ के कपड़े थोड़े आपको सस्ते पड़ेंगे तो आप वहाँ पर शॉपिंग ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर हिडिंबा टेम्पल भी जा सकते हैं। हिडिंबा टेम्पल महाभारत में जो भीम थे उनकी पत्नी हिडिंबा थी, उनका मंदिर है वहाँ पर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप वहाँ पर फ़ोटोशूट के पर्पज़ से जा सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर उस सीज़न में जा रहे हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरेगी तो आप हिडिंबा टेम्पल ज़रूर जाएं क्योंकि वहाँ का जो शेप है वो इतना ज़्यादा सुंदर है और फिर वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो फ़ोटोशूट के पर्पज़ से तो वो बेस्ट सीन होगा, आप वहाँ पर फ़ोटोशूट ज़रूर करवाइएगा। इसके अलावा आप वशिष्ठ टेम्पल भी घूमने जा सकते हैं वहाँ पर। और अगर आप ऑफ सीज़न जा रहे हैं, मतलब वो सीज़न जहाँ पर मनाली में बर्फ़ नहीं गिरेगी और आपको वहाँ बर्फ़ देखने नहीं मिलेगी पर आपको बर्फ़ देखनी है, तो आप रोहतांग जा सकते हैं। मनाली से आपको रोहतांग काफ़ी दूर पड़ जाएगा वैसे तो, पर अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आपको रोहतांग जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर आराम से बर्फ़ देखने मिल जाएगी। ये एक अलग ही जगह पड़ेगी आपको, पर अगर आप मनाली से गाड़ी बुक करा के रोहतांग जाना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपको 15,000 से 20,000 के आसपास में बुक हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिमला भी उसी टूर में घूमना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं क्योंकि मनाली शिमला से करीब 250 किलोमीटर आपको पड़ेगा। तो अगर आप चाहें कि आप वो भी घूम लें वहीं से तो आप शिमला भी जा सकते हैं, 8-9 घंटे का रास्ता पड़ेगा और आप शिमला पहुँच जाएंगे। अब हमारी मेन बात आती है कि हमारा बजट कितना आएगा। तो आपका बजट ज़्यादा नहीं आएगा, ये मैं पक्के से कह रही हूँ। तो आप जब शॉपिंग करेंगे तो वो आपका अलग मैटर है कि आप कितने पैसे की शॉपिंग करना चाहते हैं या कितने पैसे आप जंक फूड वगैरह में या दूसरी अलग चीज़ों में, दूसरे स्पोर्ट्स वगैरह में खर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका सिर्फ नॉर्मल चीज़ों का, यानी कि होटल में रहने का, खाने का और आने जाने का, आपका ये खर्च करीब 3,000 से 4,000 पर पर्सन पड़ेगा फॉर 2 डेज़। और अगर आप और भी दिन वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से प्लान बना लें। तो अगर आप और भी दिन या फिर अगर आप वहीं से शिमला जाना चाहें
तो वहाँ से शिमला भी आप जा सकते हैं, और अगर आप रोहतांग जाना चाहें तो आप रोहतांग भी वहाँ से जा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपका बजट कैसा क्या पड़ेगा और आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।